हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रेवल बी में। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी की डिलीवरी हुई है एक मिनी ट्रक में, और यह मैंने फ्रेंड्स अमेजोन से परचेज किया है। इसका बेस्ट बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए एसी को इंस्टॉलेशन करते वक्त। सबसे पहले, यदि आपको अमेजोन से ऐसी एसी परचेस करते हैं तो घर पर डिलीवरी होने के बाद एसी की आउटडोर और इंडोर यूनिट को आप मैच करा लीजिए कि दोनों ही सेम मॉडल हैं या नहीं है। जैसा कि मैं आज यहाँ पर आपको यह करके बताऊंगा, और इसका इंस्टॉलेशन के लिए मैंने क्या क्या चार्जेस पे किए हैं और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए आउटडोर और इनडोर यूनिट को इंस्टॉल करते वक्त। देखिए, यहाँ पर मैंने इस एसी की इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से मैच करा दिया है कि सेम मॉडल है या नहीं है। मॉडल आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह है इसका मॉडल नंबर, और प्राइस वगैरह आप सारे चेक कर लीजिए। और यह एसी मुझे कितने में पड़ा है, इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर दोनों ही में सेम मॉडल है, तो यानी कि यह आउटडोर और इनडोर यूनिट सेम मॉडल की ही हैं। और आज मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का कम्प्लीटली बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें मैं आपको एक एक इस वीडियो के पार्ट के बारे में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यह एसी मैंने कितने रुपीस में इंस्टॉलेशन कराया है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। क्या क्या चीजें निकली हैं दिखाओ। इसमें वायर्स हैं और टेप वगैरह है, और इसमें ये रिमोट है, और इसके सेल भी होंगे, सेल होंगे, सेल है, हाँ सेल भी हैं, हाँ ये दोनों सेल हैं, ठीक है। और ये बाइक है, इसके साथ वायर है। अच्छा, ये पानी, अच्छा ये दूसरा वाला पाइप है, ये तार है, हाँ तार है, तार है। इसके साथ पाइप भी, तो पाइप आउटडोर में, पाइप आउटडोर में होगा, अच्छा कॉपर वाला आउटडोर में होगा, हाँ ठीक है। ये एल जी का ए सी है, चेक कर लेना कहीं से टूटा वगैरह तो नहीं निकला है। है ना, ये वाले कितनी लगी रहने देना। इसकी ये वाली फैन वाली निकाल, इसको टेपिंग से बाद में अच्छे से इंसुलेट कर देना। आपके पास पहले उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते, उसमें देख लेते कि कॉपर पाइप निकला है नहीं निकला है ना, क्योंकि नहीं निकलेगा तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, उसको भी देख लो, अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो रिटर्न कर देंगे, आपका टाइम बचेगा। समझ,
पाइप तो निकला है, दो पाइप होंगे इसमें। हाँ दो है, ये पतला वाला ये है। ये क्या है? अच्छा इसके नीचे डॉट लगता है। चलो ये मैं बता,
ये देखो टेढ़ा भाग रहा है इसे, इस साइड की तरफ ऊपर की तरफ भाग रहा है इसे, देखो इधर ऊपर है। हाँ ये साइड ऊपर है, देखो है क्या नाम है आपका? अरवाज खान सादिक अंसारी, अरवाज अंसारी। तो ये हमारे एलजी की तरफ से आए हैं टेक्नीशियन। आज हमारा एलजी का जो एसी है वो फिट होने जा रहा है, तो इसकी थोड़ी फिटिंग यहाँ पर होल्स हो चुके हैं। अब ये कॉपर वायर की यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे, और उसके बाद ये आउटडोर यूनिट है वो भी बाहर रखे के देखेंगे कि कैसा है संभल के। ये इसकी आउटडोर यूनिट, संभल के। अच्छा ये फैन वाला तो बाहर की तरफ रहेगा ना, और कॉपर वायर उधर लगेगा ना। ये चीज़ नाजुक होती है काफ़ी इसकी। ये अरवाज अंसारी जी अभी इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं। इसके नीचे ये डॉट्स लगेंगे रबर के, जिससे कि जो आउटडोर यूनिट है उसकी ग्रिपिंग अच्छी रहे फ्लोर पर। ये आपका यूट्यूब पर जाएगा वीडियो। हाँ वैसे पहले से तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर। कॉपर वायर बड़ी नाजुक होती है। अच्छा तो ठीक है, 2 मीटर तो ठीक है, आराम से नीचे तक आ जाए। आराम से पहुंच जाएगा, आराम से आ गए नीचे तक, बस इतना ही चाहिए था। पाइप तो काफी बड़ा है, ऐसे कर तो ये इधर लगेगा, वहां पे लगेगा ले होने की जगह भी, दरवाजा भी सेफ होता है। अच्छा ऐसे लाओगे फिर यहाँ पे आने में फिर दिक्कत नहीं होगी? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी जाएंगे कैसे? ये ना तो फिर यहाँ से ऐसे लाओ, इधर से दीवार से चिपकाते हुए और इधर लगा लो जितना इधर हो पाए। ऐसी कॉपर का पाइप भी ले आना, तो ऐसा करो सुधा भाई यहाँ पे एक रिंग बना देना छोटा सा। रिंग क्या जरूरत है भाई? कहाँ रिंग बनाओगे? किधर? क्यों रिंग क्यों बनाओगे?
कोकून बना के ही ऐसे हो पाएगा। नहीं तो इसको फोल्ड क्यों करोगे, यहाँ से लाके और इधर से ऐसे लग जाएगा इधर, और क्या सर ये यहाँ से ऐसे होता है ना होल इसका, नीचे ऐसे लगे जाएगा। अच्छा इधर से जाएगा। हाँ तो उधर जब लगेगा तो फिर इधर से वो तो आ ही जाएगा। चलिए क्या दिक्कत है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। ये लगेंगे, ये निकल गई, इसको कर देना अच्छे से। ये देखो जितना इधर से चिपका के इधर हो पाए उतना इधर कर देना, और ये सब ला के इसमें कर देना। आराम से बड़ा नाजुक पाइप होता है कॉपर का। पाइप तो काफी बड़ा है। सर वो कर लेंगे। समझ गया फिर कैसे करना है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम? अच्छा ये वाली वायर बड़ी तोड़ नहीं सकती। नहीं ये इतनी रहेगी, कॉपर वायर है काफी बड़ी और ये छोटी है, कम से कम उतनी तो इन लोगों को भेजनी चाहिए कि कॉपर वायर के बराबर। सर ये ऐसा होता है ना, अंदर से ज्वाइंट होती है, इतना अंदर चली गया आपका। अच्छा
वरना आपकी सेम ही साइज की है, आप नाप के देखेंगे सेम साइज की आएगी, क्योंकि इतना तो पाइप आपका बाहर आ गया ना ये, और उतनी वो अंदर से जुड़ी हुई है। बराबरी होगी, लेकिन थोड़ी लंबी देनी चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से थोड़ी सी लंबी बराबर देनी चाहिए, जिससे यूनिट सब लोग साथ में ही लग जाती है। अब ये थोड़ा इधर करके खिसकाना पड़ेगा, एक प्रकार से तो सेम ही क्या सेम ही समथिंग, बड़ी तो काफी लग रही है। अच्छा अच्छा, इस वायर को ढकने के लिए मेरे पास एक कवर है, अच्छा इस पे लगाएंगे ऊपर रोल करेंगे, इसका कवर भी है सेम आ रहा है आपका। हाँ हाँ सेम ही है। अब इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे? वो अभी देख लीजिए, जैसी वो इंसुलेट हो रही है अच्छा वैसी ही हो जाएगी, बना रहे तो हमें भी एडजस्ट ही करना पड़ेगा। वो तो है। ये तार हटा दे फाइबर वाला, चलो खोल दो फिर, खोल दो अगर दीवार वो सरिये से चिपकाते हुए ले जाना उधर से। सर उधर से नहीं आ पाएगा, यहीं से ऐसे करके जाएगा ना। अच्छा यहीं से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि वो हमारा जो बॉक्स का मुंह खुला हुआ है हाँ। वो इधर ही साइड से खुला हुआ है, उधर साइड से नहीं है। अच्छा तो इधर से ऐसे ला के ऐसे लगा देना जितना दूर हो पाए। इसमें तो R32 गैस होती है ना, पहले CFC आती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो गया कनेक्शन?
तरह से यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है उसका इंसुलेशन इस तरह से किया जाता है। इस तरह से इसकी प्रॉपर इंसुलेशन किया जाता है, इंसुलेशन का काम चल रहा है। इसी के अंदर दो कॉपर वायर है और एक वायर का कनेक्शन जिसका आउटडोर यूनिट से होगा। और इसके बाद टेस्ट भी इसमें किए जाएंगे, वह भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें टेस्टिंग की जाती है इंस्टॉलेशन होने के बाद। और यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन हो रहा है, कॉपर वायर का कनेक्शन होगा। यहाँ पर तीन कनेक्शन होंगे, एक इलेक्ट्रिक वायर का और दो कॉपर वायर का। बाद में सब इंसुलेट करने के बाद इस तरह से इसको टेप लगा के लॉक किया जाता है। और ये फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो आउटडोर यूनिट इसमें इंस्टॉल है उसको आप छज्जे के नीचे रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे धूप और बारिश से ये बचा रहेगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा मेन चीज़ है इसके अंदर अगर पानी चला जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, सर्विस होती है। सर्विस मतलब सर्विस पानी से ही। अच्छा पानी से ही सर्विस होती है, स्टेशन का ही बिला। अच्छा इसमें जो लग रहा है उसका नहीं आएगा? कंपनी तो देगी बिल, काट के जो हम अपने फ़ोन से काटते हैं तो वो इंस्टॉलेशन का देती है। इंस्टॉलेशन का बिल देती है वो आपके पास आएगा 1416 रुपये का या 1415 रुपये का। अच्छा तो इसका फिर कहाँ से मिलेगा बिल? इसका नहीं आता सर, इसका नहीं आता है। बाकी जैसे आज हम करके जाएंगे इसको, आज आपका इंस्टॉल हो गया आपको साल में 2 सर्विस फ्री मिलेंगी इसकी। अच्छा कब कब आओगे? अब जो सर्विस जो होगी वो आपकी हर 3 महीने बाद होगी। हर 3 महीने बाद? 3 महीने बाद 2 सर्विस मिल जाएंगे। अच्छा 6 महीने में 2 सर्विस? हाँ साल में 2 सर्विस होती हैं ऐसे, आप हर 3 महीने में ले लो या फिर आप 6 महीने में एक ले लो। साल में 2 सर्विस फ्री मिलेंगी। 6 महीने में करते हैं आप सब में बढ़िया वही रहेगा, मैं बताऊँ 6 महीने में ले लें। 6 महीने आप करा लेना 3 महीने बाद की सर्दी। अच्छा ये है थोड़ा सा ऊँचा ही है और उसकी के लेवल का वो है। अच्छा थोड़ा सा हो जाएगा ऊँचा, इतना ऊँचा हो जाएगा जितना ये है दो उंगल ऊँचा हो जाएगा। पानी नहीं भरेगा? पानी नहीं भरेगा। पानी अगर भरेगा भी तो आउटडोर में फर्क नहीं। देखिए इस तरह से कॉपर वायर को ऐसे फिक्स किया जाता है आउटडोर यूनिट में, जो कॉपर वायर आ रही है उसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हिलता रहेगा। लगा लिया अभी ठीक से, ऊपर लगा दो, ये अंदर शायद कुछ लोहा वगैरह है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एसी इस तरह से इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पर डेमो भी होगा इसका और इसकी वर्किंग मैकेनिक सब बताई जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी सेल्स निकलते हैं और सेल को रिमोट में इधर से जैसे टीवी वाला रिमोट होता है उसी में जैसे सेल पड़ते हैं उस तरह से आप सेल इसमें डाल सकते हैं। और इसके भी फीचर्स के बारे में भी बताएंगे ये यहाँ पर। इसको रिमोट को पॉलीथीन में ही रखें तो ज़्यादा सेफ रहेगा जैसे टीवी वाले रिमोट पर रखते हैं। यहाँ पर सेफ्टी के लिए इसको पानी से बचाने के लिए पॉलीथीन में रखते हैं। डेमो देखिए अभी ये बताएंगे इसके बारे में सारे फीचर्स। ये ऑन ऑफ है सर। अच्छा ऑन कर दिया आपने? ठीक। ये एयर कंफर्ट आपकी जो फ्लैप है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा पूरा, फिर ऊपर से ठंडा करते हुए नीचे को आएगा। ठीक, ये पता है। ठीक बाकी आपका आ गया मोड है सारे। ठीक
इस मोड पर कूलिंग नहीं करेगा आपका, इस मोड पर कूलिंग नहीं करेगा, ओनली इस मोड पर करेगा कूलिंग। अच्छा, ये तो मॉइस्चर के लिए होता है ये, वो ड्राई ये वाला है जी जी, बारिश में चलाने के बारिश में, तो बारिश में भी तो कूलिंग की जरूरत होती है, बारिश में होती है कूलिंग की जरूरत, लेकिन इसमें बारिश के जैसे आपने इंडोर चलाया उसको सुखाने, मॉइस्चर सुखाने के लिए होता है, बाकी आपको कूलिंग अप एंड डाउन करनी है इससे होगी, मतलब टाइमिंग की अप एंड डाउन इससे करेंगे आप। अच्छा ठीक है, टाइमर की अप एंड डाउन इससे करेंगे, बाकी आपके कूलिंग के अप एंड डाउन यही रहेगी। टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं इसमें 16 हाईएस्ट, हाईएस्ट 30 आएगा, और आपको अभी चेक करने के लिए हाई कूलिंग पे चला दिए। अच्छा, और फ्रेंड्स इस एसी का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह 1.5 टन का एसी है, और जहां तक अभी तक मैंने इसको यूज किया है बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस एसी को फ्रीक्वेंटली परचेस कर सकते हैं। नीचे बेस्ट बाय लिंक इस एसी का दिया हुआ है, हो सकता है इसके प्राइस थोड़े कम हो गए हों। और फ्रेंड्स इस एसी के पावर कंजप्शन के सारे वीडियो कुछ ही समय में चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह एसी UTL Gamma Plus पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।